एनर्जी लेवल की या शेल की हम लोग बात करें कि शेल कितने होते हैं, एनर्जी लेवल कितने होते हैं, तो कितने एनर्जी लेवल होते हैं किसी भी एटम में, कितने शेल हो सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इनफाइनाइट हो सकते हैं। जो शुरू से स्टार्ट करते हैं हम कहां से, शेल नंबर वन टू इनफाइनाइट, न्यूक्लियस से स्टार्ट करके वन टू इनफाइनाइट तक हम बात करते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले शेल की बात करते हैं, फर्स्ट शेल की, तो उसको बोला जाता है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है कोई, तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड पे है, ग्राउंड स्टेट। जैसे कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, इस तरीके से होता है ना, तो सबसे नीचे वाले। अभी यहाँ पे तो मकान में तो बेसमेंट का भी कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे बेसमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ग्राउंड फ्लोर का मतलब पहली फ्लोर उसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर सेकंड पे जाओगे, थर्ड पे जाओगे, फोर्थ पे जाओगे, फिफ्थ पे जाओगे, इलेक्ट्रॉन उस पे हम नहीं जाएंगे, कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे, एक्साइटेड। अगर वो किसी लेवल से अगले लेवल पे जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड से पहले से अगर अगले पे जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कि ग्राउंड से काम चला गया, एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। इतनी बात क्लियर है सबको, यस और नो? इतनी बात सबको समझ आती है? बोर्ड प्रॉपर विजिबल है वो भी? यस सर। तो हम लोग अगर बात करें कि भाई स्टार्ट करते हैं कहां से, पहले वाले शेल से, n इक्वल टू 1, अगर बोले हम शेल नंबर 1 बोलते हैं, तो शेल नंबर 1 को क्या बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट। अब उसके आगे जो भी आएंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्या बोला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन है अपना n इज इक्वल टू 1 पे, पहले शेल में है, फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हमने क्या कह दिया कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, जीएस पे है, ग्राउंड स्टेट। ठीक, अगर इससे ऊपर जाता है इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट में, मान लो n इज इक्वल टू 2 पे जाता है, तो n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n को ऑन आगे जैसे जैसे जाएंगे, वैसे इनको हम क्या बोलेंगे, इन सबको एक्साइटेड स्टेट। ठीक, अब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जैसे मान लो 1 से 2 पे जा रहा है, किस पे जाता है, n इज इक्वल टू 1 से कहां पे जाता है, n इज इक्वल टू 2 पे। तो 1 पे था तो ये तो ग्राउंड स्टेट थी, 1 से अगर 2 पे गया तो इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक, अगर 1 से मान लो 3 पे जाता है, हम बोलते हैं ये ग्राउंड स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट से ये किस पे चला गया, n इज इक्वल टू 3, तो 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो n इज इक्वल टू 3 क्या बनेगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट का नंबर क्या होगा, शेल नंबर से आप क्या कर दो, एक पीछे कर दो, एक माइनस कर दो। अगर शेल नंबर 3rd है तो एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, सेकंड। अगर शेल नंबर 5 है तो एक्साइटेड स्टेट कौन सी बोलोगे। ठीक है, अब सबके लिए जो लेवल्स हैं, शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 2 है, शेल नंबर 3 है, सबके लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी है। हम लोग याद किसकी रखते हैं, हाइड्रोजन की याद, हाइड्रोजन की। अगर ये 3-4 वैल्यू याद रखोगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होगा। हाइड्रोजन की अगर बात करूं
तो शेल नंबर वन में, पहले शेल में उसकी एनर्जी आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम लोगों ने किससे निकाला था, फॉर्मूला देखा था, माइनस फॉर्मूला क्या था एनर्जी का, -13.6 यहाँ पे क्या था, जेड स्क्वायर बाय अगर शेल नंबर वन में एन इक्वल टू वन रख दिया, हाइड्रोजन की बात करते तो जेड इक्वल टू भी वन रख दिया, तो पहले शेल की एनर्जी कितनी आ गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन। अब यही अगर आप सेकंड शेल के लिए निकालना चाहते हो तो जेड तो वन ही रहेगा और एन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो टू का स्क्वायर करोगे तो फोर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर थर्ड पे जाते हो तो -1.5 हो, देखो यहाँ पे 13.6 थी, 15.4 हुई, फिर कितनी हो गई आपकी, -1.51 बेटा। हेलो हेलो, हेलो आप देखो अगर आप फोर पे जाओ तो -0.85 हो जाता है, और अगर इनफाइनाइट पे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। एनर्जी जीरो होने का मतलब शेल को छोड़ दिया उसने, बाहर निकल गया, फ्री हो, ठीक। ये माइनस जो साइन लगा हुआ है एनर्जी के साथ, इसका भी एक स्पेशल मतलब होता है। माइनस का मतलब होता है कि उस इलेक्ट्रॉन को अगर वहां से फ्री कराना है, मतलब इनफाइनाइट पे भेजना है, तो जितनी माइनस की उसकी एनर्जी दिखाई जा रही है ना, उतनी अगर मुझे बाहर से पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए तो उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और जीरो होते ही वो कहां पे पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट पे, शेल को क्या करेगा, मतलब उसका कॉन्टेक्ट छूट जाएगा यहाँ से, और वो कहां पे पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट। इतनी बात क्लियर है, आप देखो अगर ध्यान से यहाँ पे हम एनर्जी का डिफरेंस देखें, पहले वाले में अगर बात की जाए -13.6 था, हाइड्रोजन की बात हो रही है, -13.6 था, दूसरे वाले में कितना हो गया, -3.4, तो एनर्जी का अगर हम डिफरेंस निकालें फाइनल माइनस इनिशियल करके तो 10.2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक। फिर अगर सेकंड और थर्ड के बीच का एनर्जी का डिफरेंस हम निकालते हैं तो ये डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली आता है आपका, ये 1.51 है, ये 3.4 है, तो कितना आएगा आपका डिफरेंस, अप्रोक्सीमेटली कितना डिफरेंस होगा, ये 3.4 और 1.51 में डिफरेंस निकालो, 1.2। दूसरे और तीसरे के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, 0.66 हो रहा है, किस किस का बेटा था, ये 3.4 का, और ये का ये थोड़ा इसका 1.9 है, 1.9 का अप्रोक्स, अप्रोक्स, और इन दोनों का डिफरेंस 0.85 और 1.51 का कितना आ जाएगा, 1.8 उसका तो आ जाएगा, मतलब ये दोनों का आएगा फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और 1.85, और इसका इसका आएगा 0.66 और 0.85, ठीक है। अगर इन्फिनिटी तक जाते हो यहां पे तो कितना आ गया डिफरेंस, तो एनर्जी का डिफरेंस देखो यहाँ पे, अगर यहाँ 10.2 का डिफरेंस था, यहाँ 1.89 का आ गया, फिर 0.66 का आ गया, फिर 0.85 का आ गया, ठीक है।
इसका मतलब एनर्जी के टर्म्स में अगर देखें हम, तो पहले और दूसरे के बीच की एनर्जी गैप ज्यादा थी, फिर एनर्जी गैप और कम हो गया, ये जो लाइन शो कर रहा है इसका गैप वो एनर्जी को ही शो कर रहा है, फिर तीसरे और चौथे के बीच में और कम, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पॉजिटिव एनर्जी के लेवल्स के बीच का गैप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यहाँ पे गैप कितना है, फिर यहाँ पे गैप कितना हो गया, फिर और कम, ऐसे करके और कम होता जाए। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग कंसेक्यूटिव लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप धीरे धीरे कम होता जाए। और अगर एनर्जी देखें तो एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है भाई। शुरू में -13.6 थी, फिर माइनस में 3.4 हो गई, फिर माइनस में 1.51, फिर 0.85, पर इनफाइनाइट तक जाते जाते कितनी हो गई, जीरो। पहले पूरी माइनस की वैल्यू थी, अब क्या हो गई, जीरो। तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, एनर्जी बढ़ती जाती है। कितनी बात क्लियर है सबको? जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन को एक सेल से आपको क्या बताया था कि अगर लो से हाई पे जाना है तो एनर्जी को गेन करेगा, और अगर हाई से लो पे आना है, मतलब मान लो 4 से 1 पे आना, शेल नंबर 4 में है और उसको कहां पे आना है, 1 में आना है, तो ऊपर से अगर नीचे आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, और अगर नीचे से ऊपर जाना है, कम से ज्यादा पे जाना है, 1 से 4 पे जाना है, तो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, उनको गेन करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा किसी भी सोर्स। तो ये जो गेन ऑफ एनर्जी होता है उसके करस्पॉन्डिंग आपसे पूछा जाता है कि मान लो कोई जाता है 4 से 1 पे या 3 से 1 पे या 3 से 2 पे जा रहा है, किसी भी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसने जो वो एनर्जी रेडिएट करेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो शेल नंबर है उनकी एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है, एटम आपको गिवन होगा और शेल नंबर आपको बताया जाएगा, तो जो शेल नंबर है उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो किसी के 5th शेल से 1st पे जाना है, तो पहले 5th की एनर्जी कैलकुलेट करो, फिर 1st की कैलकुलेट करो, फिर उन दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकालो डेल्टा ई। अब ये जो डेल्टा ई एनर्जी का डिफरेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी बाहर निकलेगी, रेडिएट होगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम वेवलेंथ निकालेंगे। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे इस केस में, ये व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटॉन emitted during a transition from n is equal to 5 state to n is equal to 2 state in hydrogen atom. Hydrogen atom में क्या बोल रहे हैं हमसे कि hydrogen atom में 5 से कहाँ पे जा रहा है electron, 2 पे जा रहा है। Hydrogen में electron move कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 5 से 2 पे जा रहा है। तो आपको पूछ रहे हैं कि जो फोटोन एमिट करेगा वो हाई पाई से लो पे जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी का क्या होगा, एमिशन होगा, है ना, बाहर निकलेगी एनर्जी, और कैसे निकलेगी, रेडिएशन के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। तो उस वेव का पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंसी और उस वेव की पूछ रहे हैं वेवलेंथ, कि जो एनर्जी निकाल रहा है अपने अंदर से उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और वेवलेंथ क्या है। तो कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, यहाँ से हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं, और एक दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। डेल्टा ई कैसे निकालोगे, फिफ्थ से कहाँ पे जा रहा है, सेकेंड, तो आप कैसे निकाल सकते हो, E2 माइनस E5 निकाल लो और यही हो जाएगा डेल्टा E, और इसको इक्वल कर दो एस सी बाई लैम्डा, ठीक। E2 और E5 अलग अलग,
तो अगर लैम्डा निकालना है तो फॉर्मूला ये बन जाएगा कि सी बाई ई टू माइनस ई बाई यस और नो। लैम्डा निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन गया, लैम्डा को इधर ले दी चलेगा एस टी बाई ई टू माइनस ई बाई। एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेते हैं, एनर्जी का डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, इंटू निकाल लिया अगर तो इंटू कैसे निकालते थे, माइनस 13.6 यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर यही तो करते हैं, माइनस 13.6 जेड क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का केस है तो वन, और इंटू है मतलब शेल नंबर क्या है तो ये कितना आ गया माइनस 13.6 बाई 4 इलेक्ट्रॉन। फिर E5 निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा माइनस 13.6 वन का स्क्वायर और फाइव यहाँ पे रखो 25 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ तक बात सबको क्लियर है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, ये भी किसमें आ गया इलेक्ट्रॉन, डिफरेंस निकाल ले डेल्टा E टू माइनस E5 ये माइनस 13.6 बाय 4 था, ये माइनस माइनस 13.6 बाय 20 है ना, ये वैल्यू प्लस पर जाएगी और ये वैल्यू को माइनस आई तो कितना आ रहा आंसर 3.94 2.86 जैसे कैलकुलेट करो सो सब लोग कैलकुलेट करो जरा कितना आया था आंसर, माइनस 13.6 अपॉन 4 यही तो बन रहा, प्लस 13.6 अपॉन 21 इसको सॉल्व कर दो जल्दी से कितना 3.94 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.86 उसी का पाव को सब कैलकुलेट ना कैलकुलेटर में देखो ना तो देख ही है 25 और 4 का एलसीएम कितना होता है 100 पक्का 4 था पहले तो 25 इनटू 13.6 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस है, अब नीचे क्या है 25 तो यहाँ पे 4 है तो कितना आ गया 21 340 आ रहा है माइनस में
के भी फ्रीक्वेंसी लैम्डा आ गया ना, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से म्यू भी निकाल सकते हो सी बाई, ठीक है। तो कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन एनर्जी डिफरेंस वाले जिनसे हमें लैम्डा और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। यस और नो, थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, मतलब थोड़ा सा वो होगा, बाकी प्रोसेस क्या है सिंपल है। दोनों का एनर्जी गैप निकालिए, दोनों लेवल का जो भी डिफरेंस आता है, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस की वैल्यू को लेकर के हम लोग उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी रेडिएट होगी, उसको इक्वल कर देंगे एस सी बाई लैम्डा के, या उसको इक्वल कर देंगे एच न्यू के। तो न्यू निकालना है तो न्यू निकल सकता है और लैम्डा तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें हम लोग। आपको पढ़ाना है बीबीआर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक और सवाल कर लो, ये लास्ट ईयर की स्लाइड का है, कैसा लिखा हुआ है टैब पढ़ा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एंड थर्ड मोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। सेकेंड में एनर्जी दी हुई है, अर्थ पर एटम में दिया हुआ है, एक एटम की एनर्जी अर्थ में दी हुई है, मतलब सीजीएस सिस्टम। तो सेकेंड लेवल पे भी दी हुई है और थर्ड पे भी दी हुई है। कैलकुलेट वेवलेंथ एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड। वही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तीसरे से कहाँ पे आ रहा है सेकंड पे आ रहा है। यहाँ पे दोनों की एनर्जी कैलकुलेट करके आपको गिवन है, ठीक है। हाँ, दोनों की एनर्जी क्या करके दे रखी है, कैलकुलेट करके दे रखी है, वैल्यू मिली हुई है आपको। अर्थ का डेल्टा ई पहले निकालो अर्थ में, कोशिश करिए सॉल्व करने की। अब अर्थ को जूल में कन्वर्ट कर लिया होता है आपको, तो चेंज कर लो किसपे, जून पे चेंज कर लो, मालूम है हाथ और जून का कन्वर्जन क्या होता है, रजत क्या बता रहे थे। 1 joule is equal to 10 raised to power 7 joules. जैसे 1 liter is equal to 10 raised to power 5 dyne होता है, ये पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, पढ़ लिया यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट भी पढ़ाएंगे ये डाइन और ये। क्वेश्चन पे चले, करो भाई करो, बैठना नहीं है, जल्दी जल्दी करके बताओ। सेकंड और थर्ड की एनर्जी की मैंने फॉर्मिंग करो, कॉन्सेप्ट आपको पता है, डेल्टा ई निकालो, डेल्टा ई को इक्वल करो एससी में, डेल्टा ई को निकाल के अर्थ में आएगा, पहले उसको जूल में करो। हाँ क्या मीटर अर्थ में कन्वर्ट कर लिया, ये जो ये अर्थ में दिया हुआ है, वो कन्वर्ट कर लिया,
One joule is equal to 10 raised to power 7 hours. 49. 6.4. भाई अपने पास आर्क्स दिए हुए हैं ना, हाँ, तो 1 आर्क्स इक्वल टू हो जाएगा 10 raised to power minus 7. आर्क में 10 raised to power minus 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आर्क में तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है. क्वेश्चन में क्या होता है, वैल्यू नोट कर लिया ना, डेटा ही निकालो फटाफट, एनर्जी डिफरेंस निकालो दोनों का, जो वैल्यू तुम्हें ज्यादा दिखती है. हां जी मैम, ये मैम मेरा आ रहा है 6.57 a to 10 raised to the power minus 45. किसी का 45 आ रहा है, किसी का 49. डेटा ही क्या रहा है, डेटा ही बोलो 3.01 into 10 to the power minus 9. तो हो गया माइनस 19 हो गया ना, एच ये 6.6 माइनस 60 बन जाएगा 13.3 into 10 raised to power 8. यहाँ पे आपका 3.01 माइनस का 19 यही है ना, इसको इससे कट कर दो, इसको इससे कर दो, 6.6 और 19 को बढ़े जाओ, 8 और 19 कितना हो जाएगा 27, और 27 और माइनस 34 है वो कितना हो जाएगा माइनस 8 27 7 माइनस 7 ये आ रहा है वेरोनिका, हम हो गए माइनस 19 को ध्रुव के नाम से किसने ज्वाइन किया, ध्रुव सिंह कॉलेज में क्लास पे मानवेंद्र राजपूत है अब ये देखो भाई क्वेश्चन, रेडियस ऑफ टू डिफरेंट ऑर्बिट्स इन एच लाइक सैंपल हाइड्रोजन जैसे सैंपल है, हाइड्रोजन जैसे सैंपल का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन मान लो तो हाइड्रोजन लाइक सैंपल इज 4R and 16R, रेडियस दी हुई है दो डिफरेंट ऑर्बिट, ऑर्बिट नहीं बताया किसकी है, एक इसी एटम की है 4R और 16R. Then find out ratio of frequency of revolution of electron in these two orbits. अभी क्या पूछ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगी उस इलेक्ट्रॉन, तो अभी हमने फ्रीक्वेंसी का नहीं पढ़ा था, रिलेशन हमने वेलोसिटी पढ़ी थी, रेडियस पढ़ा था और एनर्जी पढ़ी, तो फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन याद रखो कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब,
आप देखो आप कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपको पता चल गया कि z स्क्वायर बाय n क्यूब है, और यहाँ पे क्वेश्चन में केवल दिया हुआ है कि उनका जो रेडियस है वो है 4r और 16r, केवल रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और फ्रीक्वेंसी हमें, फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन हमें दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ सोचे, कुछ देखें क्या कर सकते हैं, 16 बोल रहे हैं, देखते हैं भाई क्या किया जा सकता है। ये अल्टीमेटली हमें यूज करना है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले का क्या करते हैं, रेशियो भी निकालना है, तो वैसे करते हैं। आर कैसे रख रहे हो, आर इसके इक्विवेलेंट कैसे, इसमें पूछा क्या है, इसमें कभी पूछा रेशियो, फ्रीक्वेंसी का रेशियो एफ वन बाई एफ टू निकालना है, तो जेड पता है, एन निकालना, जेड वन का स्क्वायर बाई जेड टू का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा, एन वन का क्यूब और एन टू का क्यूब। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन केवल है रेडियस, और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं, तो क्या यूज कर सकते हैं, सोचो 0.52 रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था, 0.5 यहाँ पे क्या होता था, z था कि z स्क्वायर था, z था, ये रेडियस की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ये इससे क्या कर n स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे ना, n की वैल्यू निकाल, हाँ n की वैल्यू निकालने के बाद रिश्त होगा, n की वैल्यू निकाल, हाइड्रोजन लाइट सैंपल दे दिया है ना, क्या दे दिया, हाइड्रोजन लाइट सैंपल, तो जब हाइड्रोजन लाइट सैंपल दे दे तो आप z इज इक्वल टू 1 मान सकते हो, मान सकते हो z इज इक्वल टू, दिस इज द नंबर ऑफ शेल पर नहीं निकाल सकते, बेसिकली पर n पर 4r वाले को मान देते हैं, 3r वाले को मान देते हैं, हां निकल सकते हैं, इस फार्मूला को यूज कर रहे हैं, n की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको यूज कर रहे हैं, आर निकालो पहला वाला, आर 1.29 एन वन ले लो, जेड इज इक्वल टू क्या ले लो, वन, आर की जगह पे हमें क्या डेटा गिवन है, 4r गिवन है ना, इसका मतलब 4r इज इक्वल टू क्या हो गया, 1.29 एन वन स्क्वायर, एन वन स्क्वायर अगर देखो तो क्या हो गया, 4r बाय 1.2 ये आ गया पक्का, एन वन निकालना है तो क्या आ गया, रूट 4r बाय 0.52, ठीक, यही सेम चीज अगर इसके लिए लगाएंगे 16r वाले के लिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर n2 निकालना है तो रूट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16r बाय 0.529, ये बात इतनी सबको समझ आती है, एन वन और एन टू कैसे निकाला हमने, आ गई, एन वन और एन टू निकाल लिया, रेडियस के जो इंफॉर्मेशन दी है उसको लेते हैं, एन वन एन टू हमारे पास आ गया तो हमारी समस्या खत्म हो गई, जेड वन और जेड टू हाइड्रोजन लाइट एटम है, तो जेड वन जेड टू सबको दोनों को क्या लेना है, आपको वन लेना है, यस, ये तो आपने मान लिया, एन टू का क्यूब लेना है तो इसका क्यूब कर दो, रूट 16r बाय 0.529 का क्यूब, ठीक है, और नीचे क्या है आपका, एन वन है 4r
0.529 का, तो ये वैल्यू तो सेम है 0.529 का, रूट ऑफ 0.529 का क्यूब और रूट ऑफ 0.529 का क्यूब ये तो सेम हो गए, ये तो हट जाएगी आपकी वैल्यू है ना, F1/F2 कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आपकी पूरी पूरी इधर से कट जानी है, तो बचना क्या है रूट 16R का क्यूब अपॉन 4R रूट 4, इसका पूरे का क्यूब बचा 8। ठीक है, तो इसको अगर ब्रेक करके देखो तो ये हमारा 16 है, ये रूट 4 है ना, और ये रूट आ रहा है और ये रूट आ रहा है, ये तो कट जानी अंदर ही, ऊपर क्यूब और ऊपर करके बड़े ये कट जाने हैं ना, ये रूट आर हो गया। ठीक है, रूट 16 कितना होगा 4 होगा और रूट 4 कितना होगा 2 होगा, तो ऊपर आ गया आपका 4, नीचे आ गया 2 और इसका 2, तो ये 2 का क्यूब 8 है, आंसर क्या आना चाहिए अपना इक्वेशन और चीज करते फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमारे पास था जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, हाइड्रोजन लाइक एटम पे जेड इज इक्वल टू 1 ले लिया हमने, तो जेड की कोई दिक्कत है नहीं, जब डिवाइड करेंगे तो दोनों जेड इक्वल होके कट जाएंगे। एन क्यूब फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है, एन क्यूब से वो भी इनवर्स के प्रोपोर्शनल है, तो एन क्यूब से रिलेटेड है, आर दिया हुआ था क्वेश्चन में रेडियस, तो आर से रिलेट करके हमने एन वन और एन टू को निकाल लिया और एन वन और एन टू की वही वैल्यू यहाँ पे रख करके हमने डिवाइड करके एफ वन बाई एफ टू। क्लियर पक्का? नए टॉपिक की तरफ चले, नया पढ़े आज कुछ, बीबीआर पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ब्लैक बॉडी है ये पार्टिकल नेचर को शो करता है, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या करें चाहिए, ब्लैक बॉडी का मतलब कहीं से भी यानी ये कि वो बॉडी कैसी होनी चाहिए, ब्लैक ब्लैक हो भी सकती है और ब्लैक नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ब्लैक बॉडी का एग्जैक्टली मतलब क्या है, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई इसके ऊपर अगर आप कोई रेडिएशन डालते हो, कोई लाइट डालते हो, तो जब आप कोई रेडिएशन इसके ऊपर डालते हो तो होता क्या, दो तीन चीजें हमको देखने को मिलती है, एक ऐसा हो सकता है कि ये जो आपने रेडिएशन डाला ये रिफ्लेक्ट हो जाए, ऐसा देखने को मिलता रिफ्लेक्शन हो जाए इसका। दूसरा क्या हो सकता है कि इसमें क्या हो जाए, ये कुछ इसका रेडिएशन का पार्ट ऐसा भी हो सकता है कि आगे की तरफ चले, ट्रांसमिट हो जाए, ट्रांसमिशन हो जाए। ठीक, कुछ इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट इसका क्या हो जाए, ये बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, तो एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। इन जनरली जो फिनोमेनन देखे जाते हैं वो क्या देखे जाते हैं कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, लाइट को ट्रांसमिट कर दिया, मतलब अपने अंदर से गुजरते हुए आगे निकल गई लाइट। ठीक है, और लाइट क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई। ऐसा कहां देखने को मिलता है, इन में जो नॉर्मल बॉडीज होंगी वो क्या करती है, ऐसा कोई भी बॉडी जो ब्लैक बॉडी नहीं है वो कैसे काम करेगी, ऐसे कुछ लाइट हो सकता है, कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो। क्लियर है बस इतनी। अब बात करें ब्लैक बॉडी की, तो ब्लैक बॉडी
कि ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, पूरी पूरी ब्लैक बॉडी जिसको हम बोले रियल ब्लैक बॉडी वैसा वो चीज हो नहीं सकती। ब्लैक बॉडी का मतलब ये है कि जितना भी रेडिएशन उसके ऊपर आप डालोगे ना वो सबको एब्जॉर्ब, जितना रेडिएशन उसके ऊपर गिरेगा वो सबको क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। ना तो ट्रांसमिशन होना है ना ही रिफ्लेक्शन होना है, क्या होना है ऑल रेडिएशन फॉल ऑन बॉडी आर एब्जॉर्ब, जितना रेडिएशन गिरेगा उसकी कोई भी वेवलेंथ हो उसकी कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सबके साथ, मान लो एक रेडिएशन गिरता है उसमें पांच वेवलेंथ है, पांच तरह की लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5, तो ये जो पांचों वेवलेंथ है ना इन सबको ये एब्जॉर्ब, ठीक है। तो 100% एब्जॉर्प्शन बोला जाता है, वैसे 100% मिलता नहीं है कहीं पे, 99% मिलेगा। तो एब्जॉर्प्शन कितना होता है क्या बोलते हैं कि एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए जो ब्लैक बॉडी है उसका 100% एब्जॉर्प्शन। और रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन क्या होता है, रिफ्लेक्शन उसके थ्रू 0 और ट्रांसमिशन भी क्या होगा उसके थ्रू, ट्रांसमिट भी नहीं करता है और रिफ्लेक्ट भी नहीं करता, क्या करेगा जितना डालोगे उसके ऊपर वो क्या करेगा उसको सबको एब्जॉर्ब कर देगा 100% एब्जॉर्ब। इतनी बात क्लियर है सबको। ऐसी बॉडी आइडियल होती है, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है आइडियल, ऐसी देखी नहीं जाती। अब बनाया कैसे जाता है प्रोसेस को समझते हैं। देखो इस ब्लैक बॉडी को अगर हमको बनाना है तो ब्लैक बॉडी को कैसे बना सकते हैं, एक मटेरियल आता है लैम्प ब्लैक, या ग्रेफाइट ले लो, लैम्प ब्लैक ले लो या ग्रेफाइट, ठीक है। इसका किसी बॉडी पे पूरे अच्छे तरीके से आप पॉलिशिंग कर दो उसकी, लैम्प ब्लैक की या किसकी ग्रेफाइट, ठीक, उस पे पूरे अच्छे तरीके से आप पॉलिश कर दो, मतलब कहीं पे भी हो जो आप पॉलिश कर रहे हो कोई भी ऐसा स्पेस कोई भी ऐसी जगह नहीं हो जहाँ पे वो पॉलिश ना, अगर किसी के स्लट में ये है तो अगर किसी ने टीचर को पास कर रखा तो पास नहीं करेंगे, पास भी नहीं करेंगे ना, इसलिए कि ये जो बोला जा रहा है ये देखो लैंड ब्लैक की जो पॉलिशिंग कर रहे हो, मान लो ये कोई बॉडी है यहाँ पे आपने लैंप ब्लैक से पूरी इस पे क्या कर दी पॉलिश कर दी, इनर और आउटर सारे ले रखे आपने क्या कर दिया पॉलिश कर दिया, किससे कर दिया लैंप ब्लैक, ये क्या है लैंप ब्लैक, एक ब्लैक काइंड ऑफ मटेरियल होता है कार्बन के जलते से जैसे आप उसको जला दो, आपने वो देखा है केरोसिन ऑयल के लैंप वगैरह देखे, जो लोग गाँव में रहे हुए उन्होंने देखा या बहुत पहले पुराने टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे तो कभी इलेक्ट्रिसिटी जाता था तो हमारे पास वो भी था केरोसिन का लैंप भी, उसको हम जलाते थे तो ऊपर जो ग्लास का उसकी कवरिंग होती है उस ग्लास की कवरिंग पे जब वो केरोसिन बर्न होता है तो जो कार्बन का कंपाउंड यूज होता है उसमें कॉटन की वो डालते हैं ना जैसे अपने दिया और दीपक वगैरह जलाने के लिए भी यूज करते हैं कॉटन, वैसे उसमें कॉटन की स्ट्रिप डाली जाती है, हाँ लालटेन काइंड ऑफ है, ठीक है। तो उससे क्या होता है उसकी ग्लास की जो ब्लैक ब्लैक मटेरियल डिपॉजिट होता है
उस मटेरियल को हम बोलते हैं लैब, उसकी अगर कोटिंग कर दी जाए ठीक, और यहाँ पे एक पोर बना दिया गया है, क्या बनाया गया यहाँ पे एक ऐसे छोटू सा पोर बना दिया, तो होता क्या है कि यहाँ से अगर कोई लाइट अंदर जाती है, यहाँ से मान लो लाइट है, यहाँ से रेडिएशन आपका अंदर है, तो ये जो रेडिएशन होता है ना, ये इस पूरी ब्लैक कोटिंग की वजह से रेडिएशन पूरी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाता है, रेडिएशन ना बाहर निकलेगा, ना यहाँ से रिफ्लेक्ट हो सकता है, रिफ्लेक्ट होकर इधर से बाहर जा सकता है, ना आगे की तरफ ट्रांसमिट हो सकता है, पूरा का पूरा यहीं पे इस ब्लैक बॉडी के अंदर ही रहेगा, पूरा जितना भी रहेगी वहां से रेडिएशन आगे वक्त वहां से जा सकता है, बहुत स्मॉल हो गई है, लेकिन फिर अगर जा रही है हल्का फुल्का जा सकता है, हल्का जा सकता है, इसीलिए जो बोला गया एब्जॉर्प्शन 100% एब्जॉर्प्शन क्या 100% वो नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोटिंग की पेंट किया वो तो रेज है ना, बहुत स्मॉल पोर भी मिल जाएगा तो वहां से पास कर दे तो बाहर वो डबल कोटिंग कर दे, डबल ट्रिपल में भी हो जाता है ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे मेटेरियल इस तरीके का कुछ इसका अंदर का स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि कभी भी ऐसा नहीं हो कि जो रेडिएशन यहाँ से जा रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे एंगल पे यहाँ पे कुछ बनाया जाता है कि यहाँ से इसको ये एंगल मिले ही नहीं कि ये बाहर, तो इस तरीके से बनाई जाती है क्या ब्लैक बॉडी, पर 100% ब्लैक बॉडी प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप बोलो कि 100% मतलब जरा सा भी ट्रांसमिशन या जरा सा भी रिफ्लेक्शन नहीं हो तो ऐसा नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा तो ये क्या करता है अब्सॉर्ब, ना बाहर जाना है ना ही रिफ्लेक्ट। अब ब्लैक बॉडी ब्लैक क्यों नाम दिया गया इसको, ब्लैक बॉडी क्यों बोला गया, ब्लैक बॉडी इसलिए बोला गया जैसे मान लो कि अभी उसके सर्दी के दिन होते विंटर्स होता है तो बोलते हैं ना डार्क कलर के कपड़े पहनो ब्लैक कलर के कपड़े पहनो, क्या मीन करता है ब्लैक, क्या करता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट कम करता है, तो जितनी हीट आपके उसमें क्लोथ पे पड़ेगी वो क्या होगी एब्जॉर्ब होगी ब्लैक कलर की वजह से, और वो एब्जॉर्ब होगी और बाहर वो जाएगी नहीं, बाहर जाएगी नहीं तो वार्म फील होगा आपको ठीक, तो इसी वजह से इसको क्या बना गया ब्लैक बॉडी, ऐसा नहीं है कि ब्लैक बॉडी हमेशा ब्लैक ही होती है, जैसे आपने वो देखा हीटर, देखा हीटर सर्दियों में जो अपन जलाते हैं तो कॉइल कैसी होती है पहले ब्लैक ब्राउन वाइट, कॉपर कलर की भी हो सकती है, कॉपर की अगर बनी है सिल्वर कलर की भी हो सकती है ना, शाइनी सी भी तो होती है जब जल नहीं रहा जब हमने ऑन नहीं किया तो वाइट ही था, जब वाइट वाइट हो गई थी, जब ऑन कर देते हो तो देखा आपने कलर कैसे चेंज हो जाता है, बिल्कुल रेडिश हो जाती है, रेड या ऑरेंज, ऑरेंज क्या सकते हो, जब हीटर जल रहा हो तो कलर कैसा होता है ठीक है। तो एक चीज और जैसे मान लो आपने एक स्पून लिया ठीक है, उसको स्पून लिया आपने उसको गैस पे ऑन करके स्पून से तो आप क्या स्टील का स्पून है अगर तो उसको अगर देखो तो आप उसका क्या होगा धीरे धीरे कलर चेंज होगा लगातार अगर उसको हीट कर रहे हो तो कभी क्या दिखेगा आपको ऑरेंज दिखाई देगा, कभी आपको कैसा दिखेगा रेड दिखेगा, कभी ऐसा दिखेगा कि उसके अंदर से ब्लू लाइट निकल रही है ना ब्लू सा दिखेगा, कभी ऐसा भी दिख सकता है कि एकदम बहुत ज्यादा हीट कर दो तो व्हाइट सा दिखने लगे ठीक है। तो ये क्या है ये इसका मतलब ये है कि जब आपने उसको एनर्जी दी बहुत ज्यादा क्या किया बहुत ज्यादा एनर्जी दी तो वो क्या करता है अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करना शुरू कर देता है, अपने अंदर से एमिशन भी करने लगता है, रेडिएशन को बाहर फेंकने लगता है, जब रेडिएशन को बाहर फेंकता है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको कलर वो ऑब्जर्व होता है,
कभी वो स्पून आपको रेड दिखाई देगा, कभी स्पून येलो दिखाई देगा, कभी ऐसा लगेगा उससे ब्लू लाइट सी निकल रही है, ठीक है, कभी व्हाइट लाइट सी निकल रही है। तो मतलब कि स्पून को सिर्फ गर्म कर टेम्परेचर चेंज करते जा रहे तो उससे निकलने वाला रेडिएशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है। जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज हो रही है वैसे वैसे उसके अलग अलग कलर में ऑब्जर्व हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे इस बार को बताने का क्या मतलब था, देख जैसे मतलब कोई ब्लैक बॉडी है तो इसे 100% एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक। दूसरी एक और चीज है, अगर इस ब्लैक बॉडी को आप हीटर कर, क्या करते ब्लैक बॉडी को रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे ले जाओ, ब्लैक बॉडी ऐसे पड़ी हुई है तो लाइट इसमें जो पड़ेगी उसको एब्जॉर्ब कर। लेकिन अगर आप इसको कहाँ पे ले जाओ, रूम टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर क्या कर दो, हाई बढ़ा दो, कैसे करोगे, हीट कर सकते इसको, हीट कर जब ब्लैक बॉडी को आप हीट करना शुरू करते हो तो क्या देखते हो कि अब ये करने लगती है एमिशन, और धीरे धीरे आप ऐसा देखते हो कि एक टेम्परेचर पे जाकर के जितना आप उसने एब्जॉर्ब किया, मतलब जितने वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब किए, मान लो उसने वेवलेंथ एब्जॉर्ब किए 500 से लेकर के 600 नैनोमीटर सपोज, तो अब आप क्या देखते हो कि ये 500 से 600 नैनोमीटर तक इन सब को देखने के लिए डिटेक्टर लगे हुए हैं, डिटेक्टर से पता है जितने इसने एब्जॉर्ब किए थे उतने ही ये क्या करता है सब के सब एमिट करना शुरू कर देता है। तो ब्लैक बॉडी की एक डेफिनेशन ये भी बोली जाती है कि ये जितने भी जिस जितने को भी एब्जॉर्ब करेगा उन सबको ये एमिट भी करेगा, तो कंप्लीट एब्जॉर्बर एंड कंप्लीट एमिटर भी बोलते हैं, 100% एब्जॉर्प्शन एंड 100% एमिशन, दोनों चीजें रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन क्या होता है इसमें, क्लियर है बात। तो दो पॉइंट याद रखेंगे क्या क्या कि भाई यहाँ पर शायद लिखा भी है, ऑल इंसिडेंट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब, emitted radiation is only a function of radiated temperature के बारे में बता रहे हैं, और all absorbed radiations are emitted, इसका मतलब 100% absorption and 100% emission। तो ब्लैक बॉडी ये अब ब्लैक बॉडी के बारे में कुछ साइंटिस्ट ने काम किया और देखा कि एनर्जी के बारे में बात है ना, तो मैं एनर्जी दे देते हैं, हाँ अब देखो रिफ्लेक्शन और एमिशन में कंफ्यूज मत होइएगा, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि ऊपर से जो आप एनर्जी दे रहे हो उसको वो वापस करते, रिफ्लेक्शन तो सुबह से ही लाइट का उसको रिफ्लेक्ट करते, एमिशन का क्या मतलब है जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ वाइब्रेशन वगैरह हो, कुछ चेंजेस हो, उसके बाद वो एनर्जी को एमिट करना निकालना शुरू। रिफ्लेक्शन और एमिशन में क्या होता है डिफरेंस, दोनों चीजें एक नहीं। अब दूसरी एक और चीज जब लोग पढ़ते हैं इसको फिजिक्स में भी पढ़ोगे यहाँ पे भी पढ़ लो तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ब्लैक बॉडी है उस ब्लैक बॉडी को हीट कर, मान लो टेम्परेचर हमने ले लिया T1, कोई दूसरा टेम्परेचर ले लिया T2, कोई तीसरा टेम्परेचर ले लिया T3, एक टेम्परेचर T1 पे ग्राफ खींचा, एक टेम्परेचर T2 पे ग्राफ खींचा, इसके बीच में ग्राफ खींचना, देखो भाई ये वेवलेंथ है, ये कौन सी वेवलेंथ है जो एमिट हो रही है, एमिटेड वेवलेंथ कैसे पता लगेगी,
जो रेडिएशन निकलेगा उसके सामने डिटेक्टर क्या लगा देंगे, डिटेक्टर। मान लो टेम्परेचर T1 लिया 1000 डिग्री, ठीक। उस टेम्परेचर पे जो रेडिएशन उस ब्लैक बॉडी से निकल रहा है उसके सामने क्या लगा दिया हमने, डिटेक्टर। तो डिटेक्टर लगाने से क्या पता लगेगा, उसकी वेवलेंथ भी पता लग जाएगी और उसका इंटेंसिटी भी पता लग जाएगी कि जो हम लाइट डाल रहे थे, जो लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा था उसकी इंटेंसिटी क्या थी और उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ क्या है। डिटेक्टर से हम पता लगा T1 टेम्परेचर पे वेवलेंथ और इंटेंसिटी दोनों का, फिर T2 पे पता लगाया, फिर T3 पे पता लगाया, अलग अलग टेम्परेचर पे हमने पता लगाया और ग्राफ किसके किसके बीच में, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में हमने क्या किया, तो ग्राफ में किस तरीके का बनता है, ऐसे। फिर T2 पे T2 बड़ा है और T1 क्या है, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये देखो इस ग्राफ को ध्यान से देखो, इस तरफ वेवलेंथ पड़ रहा है, इस तरफ क्या पड़ रहा है, इंटेंसिटी। तो हमने क्या देखा कि पहले शुरुआत में वेवलेंथ भी बढ़ रही है और इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, फिर वेवलेंथ बढ़ रही है, इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, फिर वेवलेंथ बढ़ रही है, इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। एक पॉइंट ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, देख पा रहे हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिल रही है एक पॉइंट। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से डाउन जा रही है इंटेंसिटी। तो दूसरे ग्राफ में भी देखने को मिल रहा है कि पहले धीरे धीरे दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद इंटेंसिटी क्या हो गई, और फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन हो रही है। ऐसा देखने को, ऐसा ग्राफ देखने को, तो क्या इंटरप्रिटेशन दिया इन्होंने, इंटरप्रिटेशन ये दिया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ है, यहाँ पे अगर देखो तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ कहाँ, यहाँ पे बढ़ रही है, ये 1000 है, ये 2000 है, तो ये कितना होगा, 1500 होगा, 1500 से थोड़ा कम मान लो 1400 पे आ गए, वेवलेंथ कितनी आ रही है, 1400 नैनोमीटर इस पॉइंट। अब यहाँ पे देखो इस दूसरे वाले ग्राफ, यहाँ पे अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी बोले तो कितनी लगभग लगभग आ रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ कितनी आ रही है, 1000। तो अगर हम देखें कि भाई T2 टेम्परेचर के लिए Imax वाला जो लैम्डा था, जिसको हम लैम्डा मैक्स भी बोल सकते हैं, लैम्डा मैक्स बोलने का मतलब कि लैम्डा मैक्सिमम नहीं, लैम्डा मैक्स बोलने का मतलब वो पॉइंट जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, लैम्डा मैक्स क्या आ रहा था T2 के लिए 1000 नैनो, और यही चीज हमने T1 के लिए अप्रोक्सीमेटली देखा, आई मैक्स कितने पे मिल रहा है, जिसको हम लैम्डा मैक्स कह सकते हैं, 14। तो क्या देखा हमने कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हो तो आपका लैम्डा मैक्स कम होता है, T1 टेम्परेचर कम था, T2 टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला जो वेवलेंथ था वो क्या मिला, पहले की कंपैरिजन में कम। तो क्या इन्होंने बोला कि रूल निकाला है कि भाई जो लैम्डा मैक्स मिल रहा है हमें वो टेम्परेचर के क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर
वही चीजें बढ़ाने से अपनी बदल सकती है, आप क्यों नहीं बदलती जो रेडिएशन की कर रहा है इसी पर साइंस तो होता है ना। ये मान लो से लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 को अब्सॉर्ब, इतने सारे रेडिएशन को अब्सॉर्ब आप किसी टेम्परेचर पे हो सकता है वो लैम्डा 1 को एमिट करे, किसी टेम्परेचर पे हो सकता है लैम्डा 2 को एमिट करे, किसी टेम्परेचर पे लैम्डा 3 को, किसी टेम्परेचर पे हो सकता है 2-3 के कॉम्बिनेशन को एमिट करे। इस तरीके से टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो देखा क्या क्या मोटी मोटी बात क्या याद रखती है फिजिक्स में, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे क्या याद रखना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो जो इंटेंसिटी मैक्सिमम वाला लैम्डा है वो क्या होता है कम होता जाता, तो कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम वाली चीज है वो किधर शिफ्ट होती जाएगी लेफ्ट में शिफ्ट होती जाएगी। भाई मान लो कोई तुम T3 टेम्परेचर ले लो, सपोज T3 टेम्परेचर ले लो तो ऐसा ग्राफ मिल सकता है यहाँ पे मैक्स मिल जाए तो आप देख रहे लैम्डा पहले 1400 था फिर कितना हो गया 1000 फिर और कम होता जाए। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे लैम्डा मैक्स होगा वो क्या होता जाएगा कम होता जाएगा, शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट की तरफ कम की तरफ शिफ्ट। मैम देखे तो ऐसे होता है टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से कैसे ये रेडिएशन निकल रहे हैं एमिट हो रहे हैं, रेडिएशन निकलना ज्यादा या कम उस पर डिपेंड कर रहा है, रेडिएशन डिपेंड कर रहा है कि किस उस पर वाइब्रेट कर रहा है पार्टिकल्स के एटम, एटम के इलेक्ट्रॉन किस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा रेडिएशन निकल रहा है। ठीक है, ये जो है इसको फिजिक्स में आप पढ़ोगे कि आई है डिस्प्लेसमेंट इसमें ये एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए इस ग्राफ में न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ही कुछ ऐसे थ्योरेटिकल रीजन एज एक्सेप्ट दैट लॉ। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी कम होती जाएगी, इसी को हम बोलते हैं वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। और ये जो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये आपका कुछ क्या पढ़ने वाले हो इसमें पढ़ने वाले हैं फिजिक्स मेन बात क्या याद रखती है ये कि टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर से लैम्डा मैक्स क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ यहाँ पे लिख लो लैम्डा मैक्स टी इज इक्वल टू इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अपने को इसका कोई काम क्योंकि ग्राफ है और ग्राफ उन्होंने ही बनाया था बेसिकली, नाम यहाँ पे केमिस्ट्री में नहीं दिया लेकिन तो क्लियर है ये बात। बैकवॉटिंग किसको बोल रहे हो जितनी रेडिएशन उसके पास ऊपर डाले जाएंगे ये देखो यहाँ पे दिखाया गया ये मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है फिर यहाँ पे आ रहा है फिर कहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ वेवलेंथ देखो ये रेड कलर का दिखा रहा है ये येलो कलर का दिखा रहा है किस तरह का रहा है फ्लक्स, फ्लक्स मतलब इंटेंसिटी, फ्लक्स वैसे हम लोग इसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों फील्ड में पड़ते हैं। क्या ये क्या कह रहे थे ये हो सकता है आपके एनसीईआरटी में दिया ये ग्राफ है एक दे रखा है ठीक
है सर सबसे पहले वाले तो ये मैं बिल्कुल मान के नहीं ये कलर से फिर जी और तो पता ही था तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और इसकी सबसे कम होती है प्रिंसिपल में इसकी सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की क्या होती है वेवलेंथ सबसे ये दिया सबसे कम होती है ना तो क्या लिखा है ये टेम्परेचर ये वेवलेंथ है ऑनलाइन स्टूडेंट बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है बता दीजिए यूनिट वगैरह ले लिया क्या लिखा गया बीबीआर लाइक बॉडी रेडिएशन यहाँ 1600 की वेवलेंथ है 1400 की 1200 की 1000 की फिर कितने की है आपकी 800 है 5 कुछ करके है फिर 40 करके ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है ग्राफ अगर देखो तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 7000 पे अगर देखो तो वेवलेंथ कितने की मिल रही है 7000 केल्विन ये टेम्परेचर फिर उसके बाद अगर देखो तो मैक्सिमम 6000 पे यहाँ पे इस रेंज में आ रहा है फिर इसमें मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है ठीक है फिर एक और भी जगह यहाँ पे मैक्सिमम इधर इधर वाली जो वेवलेंथ जाएंगी वो तो हमें दिखाई नहीं देगी ये जो कलर दिखाए गए वो किसको दिखाए गए विजिबल जो हमारी आंखों से फिर ये जो है यही तो दिखता है बाकी रेडिएशन तो तो बीबीआर की बात क्लियर है ये ग्राफ क्या कह रहा है ये ग्राफ कह रहा है कि भाई जो क्लासिकल थ्योरी थी वो कहती थी कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच का ग्राफ होना चाहिए था ये ग्राफ क्लासिकल लेकिन जो एक्सपेरिमेंट से देखा गया वो डेटा कैसा देखा गया इस तरह पहले एक पीक तक जाता है फिर उसके बाद क्या होता है ये डायरेक्टली इंक्रीज हाँ क्लासिकल फैमिली में मैंने बता दिया था ऐसे जाएगा मतलब डायरेक्टली इंक्रीज ही हाँ इंटेंसिटी इंटेंसिटी और इसके बीच का रिलेशन क्या है देखो क्या कह रहा है क्लासिकल थ्योरी प्रेडिक्ट्स इनफाइनाइट एनर्जी एट वेरी शॉर्ट वेवलेंथ बट एक्सपेरिमेंट डिस्प्लेस नो एनर्जी एट शॉर्ट वेवलेंथ में कोई एनर्जी होती ही नहीं है और इन्होंने क्या बताया था इतना एनर्जी हो रही है अगर इसको आगे ले जाओगे तो यहाँ पे शॉर्ट वेवलेंथ पे बहुत ज्यादा एनर्जी दिखेगी ये हो गई शॉर्ट वेवलेंथ इस पे एनर्जी इतनी बता देंगे यहाँ तक की बता देंगे है ना जबकि प्रैक्टिकल से क्या दिखा रहा है कि बहुत शॉर्ट वेवलेंथ पे एनर्जी आप पीवीआर बात समझ आ रही कितना ही याद रखना पीवीआर में याद नहीं रखना हो सकता है क्वेश्चन है हो सकता पीवीआर से क्वेश्चन नहीं याद रहा फिजिक्स से पूछा जाता फिजिक्स का ये क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सब एकदम फिजिक्स के बम्पर टॉपिक अच्छे ठीक अब देखो अब बात कर रहे हैं हम एक और कॉन्सेप्ट की थोड़ा सा छोटू सा है डी ब्रॉयली अरे बॉडी में क्या माना ना डी ब्रॉयली इक्वेशन ठीक है तो ये ब्रॉयली जो बोलते हैं वैसे नाम क्या है दो ब्रदर्स थे किस पे काम कर रहे थे
इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में काम कर रहे थे और फिर साइंस उन्होंने काम बेसिकली इकोनॉमिक्स में लोग काम कर रहे थे 2000 से और इन्होंने क्या किया इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने बोला ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना उससे जो निकलती है वेव ना इलेक्ट्रॉन जो वेव के फॉर्म में निकलता है वो क्या है वो जो लाइट की जैसी वेव होती है वो भी नहीं है ठीक है बोला कि एक स्पेशल काइंड ऑफ वेव है उसको हम बोलते हैं मैटर कि कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है वो उसमें पार्टिकल नेचर भी होगा और कैसा नेचर होगा वेव नेचर भी होगा कोई भी मूविंग बॉडी तो साइंटिस्ट वगैरह ने बोला कि भैया भी मूव कर रहा है हमारा वेव मूव कर रहा है हमारा वेव ठीक है तो इन्होंने क्या बताया कि जब मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा होता है और वो मूव करे तो वो जो वेव के फॉर्म में आप उसको देखोगे उससे जो वेव क्रिएट होगी उस वेव की वेवलेंथ बहुत कम होती है वेवलेंथ क्या होती है बहुत कम होती है तो वो नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं अब हमको वेव बनाया जा रहा है 70 kg के इंसान को क्या बनाया जा रहा है तो वेवलेंथ क्या होगी बहुत कम होगी तो हम वेव के फॉर्म में दिखेंगे नहीं हम किस फॉर्म में दिखेंगे बड़े से पार्टिकल में ठीक है चलो नेक्स्ट स्टैंड में पढ़ते हैं क्योंकि अभी बोल ठीक है चलिए बच्चा पार्टी थैंक यू मैम